विजिलेंस ने सफाई सेवक से 5,000 रुपए प्रतिमा रिश्वत मांगने के आरोप में एमसी लुधियाना के नंबरदार को गिरफ्तार किया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के दौरान नगर निगम जौ ने लुधियाना के नंबरदार पंकज कुमार को एक सफाई सेवक से प्रतिमा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार निवासी गाँव मतेवाड़ा लुधियाना ने उक्त आरोपी पंकज कुमार नंबरदार के खिलाफ मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह लुधियाना शहर के प्रेम विहार इलाके में सफाई सेवक के रूप में काम करते हैं, जो सुबह और शाम की पारी में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 800 मीटर के दायरे में काम करने के निर्देश के बावजूद उन्हें 24 मीटर का क्षेत्र सौंपा गया है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में आगे आरोप लगाया है कि आरोपी नंबरदार ने उसे कर्तव्यों से पूरी तरह छूट देने के लिए 5,000 रुपए की मासिक रिश्वत की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा पंकज कुमार ने दोपहर की पाली में ड्यूटी से छूट के लिए प्रतिमा 2,000 रुपए की मांग की। प्रवक्ता ने कहा कि साक्षी के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता ने पंकज कुमार के साथ बातचीत रिकॉर्ड की, जिसके दौरान पंकज कुमार दोपहर की पाली में ड्यूटी से छूट के लिए प्रतिमा 2,000 रुपए की बजाय 1,000 रुपए स्वीकार करने पर सहमत हुए। लुधियाना में DSP VB यूनिट द्वारा सत्यापन के बाद आरोपों की पुष्टि हुई। उन्होंने आगे बताया, इस संबंध में आरोपी को 2,000 रुपए मासिक रिश्वत मांगने का दोष पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।